आप सभी बच्चों का स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम परीक्षा की दृष्टि से मानचित्र की आज बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2020 की ध्यान देते हुए 5 अंक का मानचित्र भी आता है पेपर में, जो कि प्रश्न संख्या 30 होता है। प्रश्न संख्या 30 है वो इस प्रकार होता है कि दिए गए मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। और फिर वो 5 जगहों के नाम देगा। इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा और इसका जो अंक विभाजन होगा वो इस प्रकार होगा, 1+1+1+1+1=5। तो 5 आपसे जगह भरवाएगा और सारी जगह एक एक नंबर की होंगी और कुल मिला के जो 30वां प्रश्न है वो आपके 5 अंक का होगा। अब भारत के मानचित्र की हम बात करें तो सबसे पहले हमें दिशा अंकित करनी है मानचित्र में। तो मानचित्र में जो दिशा अंकित होती है वो इस प्रकार होगी, जो ऊपर जो दिशा है ऊपर की तरफ वो दिशा होती है उत्तर दिशा, जिसे नॉर्थ बोला जाता है। ऊपर की तरफ जो दिशा होती है मानचित्र का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे उत्तर दिशा, नीचे की तरफ जो दिशा होती है उसे बोला जाएगा दक्षिण दिशा, साउथ। तो ये वाला हिस्सा उत्तर दिशा, ये वाला हिस्सा दक्षिण दिशा, साउथ दिशा। और तीसरी जो दिशा होती है यानी सीधे हाथ की तरफ यानी दाएं तरफ, वो होती है पूर्व दिशा, ईस्ट। और उल्टे हाथ की तरफ जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम, वेस्ट। तो ऊपर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दिशा की बात करने के बाद हम भारत के मानचित्र को देखेंगे। भारत के मानचित्र में हम सबसे पहले राज्यों को भरेंगे, राज्यों को भरना सीख जाएंगे, उसके बाद हम जो जगह दी हुई है उनको भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटों की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो दी ये वाला हिस्सा है लद्दाख, लद्दाख, और इधर है जम्मू कश्मीर। या शॉर्ट में लिखें जम्मू कश्मीर इस तरीके से। पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दाख क्षेत्र को अलग, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा गया। जम्मू कश्मीर के नीचे ये जो वाला हिस्सा है ये है पंजाब, ठीक है। पंजाब के नीचे हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा है हरियाणा, और हरियाणा के यहाँ पे ये होगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से नीचे ये होगा उत्तराखंड, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाइए, ये जो स्टेट है इसे पहचान लोगे, ये हमारा स्टेट है राजस्थान,
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद हम बात करें नीचे जो ये संरचना बनी हुई है, ये हमारा समुद्र से लगता हुआ राज्य गुजरात। गुजरात के नीचे हम बात करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो कि एक बंदरगाह भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है उसका नाम है गोवा। और गोवा से नीचे ये है कर्नाटक और सबसे नीचे है केरल। तो ऊपर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके नीचे पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, एक छोटा राज्य गोवा, कर्नाटक और केरल। अब आइए यहीं से बात करते हैं। तो ये जो राज्य है ये वाला, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर इसमें से पहले एक ही राज्य था, अब इसमें से दो राज्य बन गए। एक बन गया है तेलंगाना और दूसरा बन गया है आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम ऊपर बात करते हैं तो ये राज्य है उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद ये जो राज्य है ये है पश्चिमी बंगाल। अब हम बीच के राज्यों को लेते हैं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में पूर्व दिशा में एक राज्य और बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नीचे आइए और राजस्थान के पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में एक छोटा राज्य निकला हुआ है, इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। और बिहार में से ही एक राज्य नया बना था, उसका नाम है झारखंड। इसके बाद ये हमारा पड़ोसी देश भूटान, ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा राज्य है भारत का जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम, उसके बाद ये हमारा पड़ोसी देश ये वाला बांग्लादेश हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इधर ये जो संरचना निकल रही है, ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे लगता हुआ एक राज्य और है उसका नाम है असम। और यहाँ पे एक छोटा राज्य और है जिसे बोला जाता है मेघालय। अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, और नागालैंड से नीचे मणिपुर, और मणिपुर से नीचे ये वाला मणिपुर, और ये है मिजोरम। और बांग्लादेश से लगता हुआ एक राज्य और त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम
इन दोनों राज्यों से निकलती हुई एक रेखा है जिसे कर्क रेखा बोला जाता है। ये भारत के कई स्टेटों से गुजरती है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया और छत्तीसगढ़। इस तरीके से इन राज्यों से होकर एक रेखा गुजरती है जो भारत को दो भागों में बांटती है और उसे बोलेंगे कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। दूसरा इसका नाम कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में। अब हम बात करेंगे पड़ोसी देशों की। तो पड़ोसी देश पश्चिम दिशा में दो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है। तो राजस्थान से जो टच में है वो पाकिस्तान, और यहाँ जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है हिंदूकुश पर्वत, हिंदूकुश पर्वत। इस पर्वत से जो टच होता हुआ देश है वो है अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान और भारत की सीमा थोड़ी मिली हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा मिलती है वो मिलती है पाकिस्तान से। उसके बाद हम पूर्वी दिशा की बात करें तो पूर्वी दिशा में हमारा पड़ोसी देश है चीन, और चीन के साथ एक देश और है तिब्बत, जिस पर वर्तमान में चीन का कब्जा है। उत्तर पूर्व में एक देश हमारे नेपाल हैं, और सिक्किम के पूर्व दिशा में जो देश है वो है भूटान। पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के बीच में जो देश स्थित है वो बांग्लादेश, और मेघालय और मणिपुर से लगता हुआ एक बड़ा देश म्यांमार। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, और यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश श्रीलंका, और श्रीलंका से नीचे जो महासागर लगता हुआ है वो है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इस प्रकार ये भारत का राजनीतिक मानचित्र हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न की। तो जो पेपर में जो प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 30, वो इस प्रकार होगा कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, और 5 आपको जगह दे देगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये सारा जो जगह हैं ये आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट में से आएंगी, जो ज्योग्राफी के आपके लेसन नंबर 8 से लेकर 13, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यानी परिवहन वाला लेसन, संचार वाला लेसन, खनिज वाला लेसन, विनिर्माण उद्योग वाला लेसन, जल संसाधन वाला लेसन, कृषि वाला, उन 8 से लेकर 13 लेसन में से ये 5 जगह अंकित होगी। अब जैसे मान लीजिए वो दे देता है अहमदाबाद, जो कि सूती वस्त्रों का, सूती वस्त्र मिलों की एक अहम जगह है। दूसरा मान लीजिए उसने दे दिया आगरा। तीसरा मान लीजिए उसने दे दिया मुंबई बंदरगाह। चौथा मान लीजिए उसने दे दिया भारत की राजधानी दिल्ली। और पांचवा उसने दे दिया लक्षद्वीप, भारत के दो द्वीप समूहों में से एक। तो ये 5 जो जगह हैं वो इस तरीके से मार्किंग में होंगी, 1+1+1+1+1, यानी 5 जगह एक एक नंबर की, और टोटल जो ये प्रश्न होगा वो होगा आपके 5 नंबर का। अब जैसे इधर हम सबसे पहले भरना है हमें अहमदाबाद। तो अहमदाबाद भरने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। जैसे मान लीजिए आपको पता है अहमदाबाद है गुजरात में, तो गुजरात सबसे पहले आपको नक्शे में देखना होगा गुजरात कौन सा स्टेट है। तो मैंने आपको बताया ऊपर से ही जम्मू कश्मीर, उसके नीचे
पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, इधर जो ये नक्शे में ये वाला हिस्सा देखोगे ये आपका राजस्थान, और जो समुद्र से यानी अरब सागर से जो टच में है ये वाली संरचना ये आपका राज्य होगा गुजरात। तो गुजरात में अहमदाबाद को बनने के लिए आपको पता होना चाहिए गुजरात राज्य में है, तो गुजरात राज्य में आप अहमदाबाद को इस तरीके से दर्शा दोगे और उसके नीचे लिख दोगे अहमदाबाद। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं आगरा। तो आगरा के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में है, जैसे आगरा है उत्तर प्रदेश में, तो आपको उत्तर प्रदेश देखना है नक्शे में कि भाई उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है, तो ये वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऊपर उत्तराखंड है और नीचे मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको बनना है आगरा। ठीक है, उसके बाद मुंबई। तो मुंबई किस राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो गुजरात के नीचे जो राज्य स्थित है वो महाराष्ट्र है, और मुंबई एक बंदरगाह भी है। जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र किनारे स्थित होते हैं, तो आपको समुद्र किनारे ही इस को भरना है, जैसे यहाँ पर भर दिया आपने मुंबई। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, जो कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। दिल्ली, और उसके बाद लक्षद्वीप। तो भारत के दो द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप बनने के लिए आपको यानी अरब सागर की तरफ देखना पड़ेगा। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो प्रश्न में पूछा गया लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप बनने के लिए इस समूह को दर्शाना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लें, तो सबसे पहले एक दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है दिल्ली में। उसके बाद मुंबई में ये है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये स्थित है मुंबई में। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, जिसे मीनाम्बिकम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है पश्चिमी बंगाल में कोलकाता में। इसे जाना जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के नाम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख बंदरगाहों की। तो सबसे पहले यहां पर एक बंदरगाह स्थित है कांदला बंदरगाह। दूसरा जो बंदरगाह है वो मुंबई है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा बंदरगाह मारमगाव,
गोवा में। चौथा, बंदरगाह आपको हमेशा समुद्र तट के किनारे बनने हैं, क्योंकि जो बंदरगाह स्थित होते हैं वो समुद्र तट के किनारे होते हैं, जहाँ से समुद्री जहाज चलते हैं और व्यापार का लेन देन होता है। तो यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है न्यू मंगलौर, जो कि कर्नाटक में है। न्यू मंगलौर, उसके बाद ये जो स्टेट बताया था मैंने वो बताया था केरल। केरल में जो बंदरगाह है वो है कोचीन, कोचीन बंदरगाह। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरन। उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में है पारादीप, पारादीप। और पश्चिमी बंगाल में दो बंदरगाह स्थित हैं, एक तो है कलकत्ता और दूसरा है हल्दिया। हल्दिया। तो इस प्रकार आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बंदरगाह पूरे होते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आपको नक्शे के बगल में मिलता है संकेत, इस तरीके से मिलेगा। तुझे इसके ऊपर आपको लिख देना है संकेत। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के प्रमुख नक्शे में मान लीजिए एक पॉइंट ही आ गया, गेहूं उत्पादक राज्य, यानी भारत के गेहूं उत्पादक राज्य। तो आपको पता है गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में क्या होता है? गेहूं होता है। तो गेहूं उत्पादक राज्य को दर्शाने के लिए आपको एक सिंबल लेना होगा, और उस सिंबल को जैसे मान लीजिए आपको आपने डॉट से उसको दर्शाया, तो यहाँ पर लिखकर उसके आगे किस चीज़ को दर्शाया, जैसे मान लीजिए आपने दर्शाया गेहूं उत्पादक राज्यों को, तो उस सिंबल को यहाँ पर अंकित करना है। और उन गेहूं उत्पादक राज्यों में जैसे मान लीजिए पंजाब है, हरियाणा है, जो संकेत आपने यहाँ पर लिया है उन्हीं संकेतों से आपको उन जगह पर दर्शाना है। जैसे उसके बाद मान लीजिए चावल उत्पादक राज्य, तो चावल उत्पादक राज्य के लिए मान लीजिए आपने स्टार वाला संकेत लिया है, तो आपको पता होना चाहिए चावल उत्पादक राज्य समुद्र किनारे वाले, जैसे पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है, उसके अलावा तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो ये जो राज्य हैं इनको दर्शाया जाएगा किसके, जैसे मान लीजिए आपने संकेत लिया स्टार वाला, तो इसके आगे लिख देना आपको चावल उत्पादक राज्य। और फिर उन चावल उत्पादक राज्यों में आपको सिंबल बनाना है उसी हिसाब से, कौन कौन से चावल उत्पादक राज्य हैं। इस तरीके से